दोस्तों, जैसे कि आपने लास्ट के कुछ ब्लॉगों में देखा, हम लोगों ने मनाली में काफी सारी चीजें विजिट की। उसके बाद हम लोग कुल्लू घूमने गए थे, जहां पर कुल्लू में हम लास्ट के ब्लॉग में बिजली महादेव के दर्शन करके आए थे। अब जब हमने बिजली महादेव के लिए बुकिंग करवाई थी, तो हमने उनसे भैया से बात कर ली थी, जो कि हमें घुमाने वाले थे, कि वहां पर वो हमें क्या क्या घुमा सकते हैं, मतलब क्या क्या हमें चीजें देखने के लिए मिलेंगे। और साथ में हम लोगों ने एक बार ट्रेवल्स पे भी बात कर ली थी कि जब हम बिजली महादेव के लिए घूमने जाएंगे तो वहां पर क्या क्या चीजें घूमने वाली मिलती हैं, जो कि वो ट्रेवल्स वाले अगर उनसे उनके थ्रू गाड़ी करते हैं हम, तो वो लोग हमें घुमाएंगे। तो उन्होंने बताया था कि रिवर राफ्टिंग वगैरह हो जाती है बीच में, अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहें तो पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं साथ में। उसके बाद वहां पर बिजली महादेव के दर्शन आप करेंगे, और उसके बाद लौटते टाइम हम आपको बूल फैक्ट्री घुमा कर लाएंगे। तो बिजली महादेव के हमने दर्शन कर लिए थे, रिवर राफ्टिंग के आपने ब्लॉग वगैरह देख ही लिए होंगे, मैंने डाल दिए हैं, बिजली महादेव का भी ब्लॉग डाल दिया है। अब हम आए हैं वूल फैक्ट्री घूमने के लिए। अगर आप कुल्लू में आते हैं और आपने वूल फैक्ट्री नहीं देखी है, क्योंकि यहाँ पर वूल फैक्ट्री काफी ज्यादा फेमस है, वूल का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जो गर्म कपड़े वगैरह होते हैं उसकी फैक्ट्री यहाँ पर काफी सारी बनी हुई है, लेकिन जो ऑथराइज है वो सिर्फ 3-4 जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव है, मतलब जो गवर्नमेंट ने खुद ही खुलवाई है, जहाँ पर सरकारी लोग काम करते हैं उनको पेमेंट वगैरह दी जाती है, वो सिर्फ यहाँ पर 3-4 हैं। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर वूल फैक्ट्री घूमने के लिए आए। साथ में अगर आप भी कुल्लू या फिर मनाली घूमने के लिए आते हैं, तो आपको ये वूल फैक्ट्री जरूर देखनी चाहिए। भले ही आप कुछ यहाँ से लें चाहे ना लें, आपके पास बजट हो या फिर ना हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको देखने आना चाहिए। और ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, यानी कि सामने वाली पार्टी ने मुझे रुपए वगैरह नहीं दिए हैं इसके लिए कुछ भी, मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं इस ब्लॉग में बता रहा हूँ, आप भी घूम सकते हैं। अगर आपकी मर्जी है कुछ खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदिए। वीडियो हो सकता है थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है, अब मुझे पता नहीं कितने मिनट की बनेगी ये वीडियो जाकर, लेकिन अगर पसंद आए तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जो कि कुल्लू मनाली जाने के लिए सोच रहे हैं या फिर फ्यूचर में कभी जाना चाहते हैं। तो ये बात करते हैं हम यहाँ पर किस वूल फैक्ट्री में गए थे। तो मेरे पास यहाँ का कार्ड है, कृष्णा हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट सॉल्स करके है, ये आपको कार्ड नजर आ रहा होगा। इनके पीछे यहाँ पर मैप वगैरह भी बना रखा है इन लोगों ने। आप जैसे कुल्लू से घूम के आएंगे तो यहाँ पर वैष्णो माता टेम्पल दिखता है, मतलब ज्यादा बड़ा टेम्पल नहीं है, छोटा सा टेम्पल बना हुआ, आप चाहें तो घूम सकते। ड्राइवर ने तो हमसे पूछा था कि भैया आपको घूमना चाहें तो घूम सकते हैं, लेकिन नाइट हो चुकी थी और हम काफी ज्यादा लेट भी हो गए थे, तो शाम को हम लोगों को जल्दी पहुंचना था रूम पर, तो हम लोग नहीं दर्शन करने जा पाए। इसके बाद यहाँ पर आपको, मतलब अगर आप वूल फैक्ट्री वगैरह घूमने जाते हैं तो यहाँ पर अलग से रोड जाती है, जहाँ पर काफी सारी वूल फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, और एक डायरेक्ट रोड जाती है मनाली के लिए। तो अगर आप, मतलब दोनों ही आगे जाके एक में मिल जाती हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा आपका। हाँ, वूल फैक्ट्री में 1-1.5 घंटा लग सकता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी आपको वैरायटी के कपड़े देखने के लिए मिलेंगे, मतलब वूल वगैरह देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें मतलब अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो वो आपको डिफरेंस भी बताएंगे, किस तरीके से आपको पहचान करनी, ये भी बताते हैं आपको। पहचान तो खैर ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे, वूल लोगों को ज़्यादा रहती है, लेकिन वो आपको डिफरेंस बता देते हैं कितने तरीके की वूल आती है। ये मतलब जो जानवरों की मतलब बाल होते हैं उससे वूल बनाई जाती है, तो वो बताएंगे आपको, पूरी वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। और हाँ दोस्तों, हमने भी यहाँ से बहुत सी चीज़ें बाई की थी, वो मैं आपको वीडियो आखिरी में बताऊंगा। प्राइजेस वगैरह वो ऑटोमेटिक बता देते हैं, उसी हिसाब से आप ऑनलाइन बाई करना चाहते हैं तो इनका नंबर मैंने आपको दिखाई दिया है, तो आप ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। जेन्युइन आपको प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पर, डिफरेंस आपको वीडियो में पता चल जाएगा अंतर, मतलब किस तरीके के यहाँ पर प्रोडक्ट रहते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, सब चीज़ें आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू जर्नी में। पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। ये लाइट वेट भी होती है, इसे 12 मंथ यूज कर सकते हो विंटर एंड समर दोनों साइड। रैबिट वूल, रैबिट वूल लाइट वेट, फिर आएगा रैबिट वूल चरखे पे, कथा हो ये चरखे पे निटिंग की जाती है, हैंड स्पन कहते हैं इसे, ये चरखे पे कथा हो। इसके बाद आएगी शीप वूल, कुल्लू कल्चर डिजाइन हमारा जो पर्टिकुलर टच है पूरे उसी ट्रेडिशनल पैटर्न में शीप वूल में, इसलिए कुल्लू कल्चर डिजाइन भी मिल जाएगा आपको। अगर एम्ब्रॉयडरी वर्क चाहोगे, कढ़ाई वर्क चाहोगे तो कढ़ाई का वर्क भी मिल जाएगा, एम्ब्रॉयडरी लुक्स भी मिल जाएगा इसमें। इसके बाद आती है रैबिट वूल, ये वो उसकी हाईएस्ट क्वालिटी होती है, रैबिट ये महंगी क्वालिटी में आती है, रैबिट वूल हाई क्वालिटी डिजाइनिंग में वहाँ मिलता है। एंड द वूल की सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है पश्मीना, ये पश्मीना वूल है, वूल की सबसे हाईएस्ट क्वालिटी। इसके अलावा खादी यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, तो कुछ एक्सपोर्टेड यार्न से यहाँ दिए गए हैं, ये जर्मन रैबिट सेल है, ये खादी के एक्सपोर्टेड यार्न में जो इंडिया से बाहर जाते हैं, जर्मन रैबिट सेल है, इस सैंपल दिए गए जर्मन रैबिट सेल। अब आप देखिए किस क्वालिटी, ये क्या रेट हुआ,
इसका एक्चुअल प्राइस 3500 का है, बट यहाँ सब्सिडी चली 30%, तो आज का रेट 2450 रुपये है। वही तो कह रहे, पर हमें तो लग रहा है यहाँ से अच्छा तो हमें हमारे इलाके में मिल जाता है। मैम आपके इलाके में जो मिलता है, मैम वो एनुअल रेट थोड़ा नहीं, सेम ये मैंने देखा, सेम बता रहे हैं, सेम टू सेम। सर ये वो सर अभी इंडिया से बाहर जा रही है तो आपके इलाके में छोड़िए, सर कुल्लू में अवेलेबल नहीं है सर, तो बाकी कहाँ मिलेगी? अगर आप ग्रोथ पे जानते हैं, सीजन में नहीं मिलती, पर विंटर के सीजन में। मैम विंटर सीजन मैटर नहीं है मैम, देखिए अब आपको पता है कि बोटा कपड़ा सारा वूलन थोड़ा होता है मैम, एनुअल रेट कौन सा है मैम? अब आपको नॉलेज के लिए दिखाता हूँ, यहाँ शॉल 2.5 लाख तक तो शॉल है मैम, तो आप बोलोगे शोला वैल्यू शोला, बोलोगे वूलन सस्ता है, वूलन सस्ता थोड़ा मैम, 2.5 लाख तक वूलन है। अब नॉलेज के लिए दिखाता हूँ, आप कपड़े को पहचान रहे हो ना मैम, मैं प्लेन शॉल दिखाता हूँ, आपने डिजाइन देखा इसलिए आप कह रहे हो, डिजाइनिंग हमने देख लिया, ऐसा सोप देख लिया, ऐसा बड़ा मॉडल देख लिया। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये कपड़ा देखा जो ये निकला हुआ दिख रहा है सर, ये निकालना सर आर्टिफिशियल मुझे निकल रहा है, आपकी जैकेट आती है नीचे गिली, जाओ जैकेट मिलती है, फर होती है अंदर फर, तो वो फर क्या चीज़ है? सिंथेटिक है। अब यहाँ भी तो फर बनी है, वो फर एनिमल हेयर है, सिंथेटिक क्या रेट है? 6000 रुपये किलो, रैबिट वूल की तरह 2.5 लाख रुपये किलो, वो 6000 2.5 लाख का फर्क भी तो है सर, उसको कैश करिए का 1000 का लाख 2.5 लाख 100-200 का फर्क नहीं है, उसको मैंशन करो ना आप सर, वो फर बनाने से एनिमल हेयर थोड़ा हो गया सर, आपके डिज़ाइन बनाना कैसी चीज़ है मैम? अब शोर है सर, ये प्लेन दिखा रहा हूँ, प्लेन कपड़ा है, नॉर्मल दिखा रहा हूँ आपको, ये तो बिल्कुल प्लेन बना दिया है। आप गैस कीजिए अपने हिसाब से, कीजिए वहाँ के हिसाब से, अगर वहाँ पर आप ये वाइट शोल करते हो प्लेन, तो कितने का लोगे वहाँ पे? चलो प्लेन अगर लोगे, डिजाइन तो लिया होता है ना, पर डिजाइन से तो सस्ता ही होगा ना, ना प्लेन लेबर नहीं पड़ी, तो उसी हिसाब से गैस कीजिए। अगर अच्छी क्वालिटी में बता रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसी मिल जाती है, अगर इससे अच्छी क्वालिटी में कितने की पड़ जाती है आपका? होलसेल मार्केट से लेते हैं तो ऐसी 200-250 रुपये, इससे अच्छी क्वालिटी में मैम, जी मैम, अब जिसको आप बोल रहे हो कि इससे अच्छी क्वालिटी आपके वहाँ 200-250 मिलती है, तो ये हल्की क्वालिटी यहाँ की 1.5 लाख रुपये की है, इससे हल्की क्वालिटी आपके हिसाब से, आपसे हल्की क्वालिटी यहाँ पर 0.5 लाख की शॉल है, तो आप ये बताइए मुझे, आपने 200-250 बजे ढूंढ रहे हो और इसको क्या पहचान रहे हो? जो 50,000 का शॉल है सर, ये बता रहा हूँ आपको कि आप किसी नहीं पहचान रहे हो, आपको 50,000 का, 50,000 का 0.5 लाख का शॉल है सर, ये आप बोल रहे इससे अच्छी 250 में मिल जाती है हमारे से अच्छी, क्यों आप उससे अच्छी क्यों बोल रहे हो? इसकी क्वालिटी मतलब क्या रहता है इसमें? गूगल चेक कीजिए भैया, गूगल पे जाइए एक बार, पश्मीना के ग्रेड्स को, पश्मीना का तो हमने पढ़ा है ना, वही बोल रहा ना मैम, जब तक आपको उनकी वैल्यूएशन नहीं पता, आप किसी चीज को गैस प्राइस थोड़ा करोगे, किसी का करोगे तो क्या लगाओगे कि हाँ मुझे ये मिल जाता है, आप करोगे डिजाइन मुझे मिलता है सर, तो ये होता है, वो सिंपल सा बोलते हैं भैया कि यहाँ जो देख रहे हो एनिमल हेयर महंगे होते हैं, वो सस्ते नहीं होते, एनिमल हेयर कोई सस्ता नहीं है, अगर आप सोचो कि आप वहाँ से कंपेरिजन यहाँ का करोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है भैया, तो आपके वहाँ आर्टिफिशियल मिल रहा है, पश्मीना को सुना है बहुत ही ज्यादा गर्माता है वो, यार मैम अब ये ऊन है मैम, आपको नहीं पता ऊन है क्या, ये क्या रेट का है बताऊंगा सर, सभी क्वालिटी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, एनिमल हेयर के साथ बताऊंगा, देखिए बहुत क्वालिटी है, 800, 1200, 1500, 2000, 2200, हमें जैसे बजट में लेना है ठीक है, तो ये चीज बजट में मिल जाएगी? आपका बजट क्या है, कितने तक का है बताओ? वही 1000, 1200, 800, 600 ये चीज मिल जाएगी, मतलब रैबिट में मिल जाएगी 840 नहीं, ये मनाली में हमने देखी है, मनाली में क्या रेट बता रहे थे? मनाली में इसकी ऐसी थी, अब वो बुलगांव हमें अंदाजा नहीं है, देखिए मैं आपको आप यहाँ पर कुछ नॉलेज लेने के लिए आयो, वो तो समझ आपको नहीं पता तो पूछोगे तो पता चलेगा, हम भी तो बता रहे हैं, मेरी ये शॉल को बताना चाहिए आपको, मुझे पता थोड़ा बाई करनी, आपने तो मांगी भी नहीं, सिर्फ आपको बताने के लिए कि क्या फर्क होता है। एक्चुअली सर मनाली में जो प्रोडक्ट्स देखते हो ना सर, पहली चीज बताता हूँ, देखिए तीन चीजें बताता हूँ मनाली के बारे में, पहली चीज आप एक दुकानदार हो ठीक है, आप किसी दुकान पे बैठे, मनाली टोटल रेंट पे जाता है मान रोड, 6x6 की दुकान है, आप 1 से 1.25 लाख रुपए का है, इतना बड़ा हॉल है 20 लाख रुपए का, तो एक मुझे आप ये बताइए उसमें सर, एक्सक्यूज वन मिनट, हेलो चीज बता रहा था मैं आपको, कोई आपको टाइम नहीं दिया, पहला आप एक दुकानदार हो, आप बैठे हो जहाँ पर, आप दे रहे हो 20 लाख रुपए मीना रेंट, 6x6 की दुकान चल रही छोटी सी, आप 1.5 लाख रुपए 1.75 लाख मीना रेंट दे रहे हो, तो आप क्या करोगे सर पहले बताइए? पहला क्या करोगे आप, बुलन काउट कर दो, क्यों आपको तो बुलन महंगा है, ऊपर से और महंगा बिकेगा तो कस्टमर नहीं लेगा, रीजन मैंने इतना किराया देना है तो मैं 100-200 रुपये तो गेम खेल सकता हूँ ठीक है सिंपल। दूसरा आगे लुधियाना का प्रोडक्ट उठा लाएंगे, क्यों आप वो बाहर से, आपके लिए नज़र में वुलन जीरो है, आपको जो चीज़ बताई जाएगी, अब मैं जीन लेने जाता हूँ सर, तो मुझे जीन का प्राइस बताया था इसका 1000, इसका 1500, इसका 600, मैं क्या सोच के जाता हूँ मुझे खर्चना है 600, जैसे आपने कहा मेरा बजट इतना है, तो मेरा बजट होता है 1000 रुपये की लेनी है, वो 600 की बताएगा, मैं बोलूँगा भाई अच्छी दिखा दे थोड़ी, जब 1500 की दिखाएगा मैं बोलूँगा थोड़ा नीचे दिखा दे, वो 1200 बताएगा तो मैं वैल्यू डाल दूंगा, तो 900 का दे रहे हैं, क्यों तो मैंने सोच के आऊँगा 900 खर्च रहा है, मेरे खर्चा मुझे पसंद आ गई, मेरे हो गया तो ले जाऊंगा, तो वो चीज़ किया जाता है, उन्हें लेना लुधियाने का प्रोडक्ट्स जो वुलन है ही नहीं है, आपको वुलन के नाम से भेज देना मैम, आपको उसके बारे में पॉलिश नहीं, आप ले जाओगे, आपको पता कि वहाँ पर ना ठंड पड़ रही है ना कुछ हो रही है, हमने पहन लिया मीना में पहने, खराब भी हो तो कुल्लू में वापस आने वाले नहीं, ये तीसरा एक बड़ा फ्रॉड देखना मनाली के बारे में, हिस्ट्री जानिए गूगल जाइएगा, आप वाइफ सबके पास है, मनाली में कंबल आता है हमारा,
सुपारू के नाम से बिकता है, वशिष्ठ डिमांग हो जाए, सभी दुकानदार आवाज मारेंगे आपको, आइए आपको सुपारू दिखाते हैं। बोला क्या जाता है, एक लोकम्बा का नाम सुपारू है, वन आइटम लीजिए, पांच आइटम गिफ्ट करेंगे, तीन साल के बाद आपके घर आएंगे। जम्मू में भी चलता है, जम्मू वाले ही है, सुपारू के नाम से बिकता कितने में मनाली में, 20,000 से 60,000 में, और गवर्नमेंट प्राइस उसका क्या है, 3,080 रुपए बस, 3,080 रुपए बिक्री है, वही गिफ्ट फ्रॉड मनाली में हो रहा है। मनाली में जो भी है लोकल अभी दुकान नहीं कर रहे हैं, मनाली में सब जम्मू के हैं, जम्मू वालों ने रेंट पे ले ली है, जितने भी जम्मू कश्मीरी वगैरह इन्होंने रेंट पे ली हुई है, इन्होंने पैसा फेंका है, हाँ मेरी दुकान है, मेरे को कोई 1,00,000 रुपये किराया देगा, मैं बोलूँगा भांडे में जाए दुकान मेरी, मेरे को 1,00,000 रुपये मिल रहा है, मैं क्या करूँगा घर बैठे मिल गया, तो वो हुआ मनाली में सर, इस वजह से गड़बड़ा गया। गूगल पे आया न्यूज़ में कि मनाली बहुत फ्रॉड किया जा रहा है, लोगों को भूलन के नाम पे स्कैम, आपकी एटनरी में ऐड है, आपको फैक्ट्री दिखाएंगे, तो क्यों बोला सर में गवर्नमेंट ने ऐड करवाया, क्यों करवाया, इसलिए कराया आपको रियल तो बता दें भूलन है क्या, आप कोई भी चीज़ मनाली से ले जाओगे, आप बोलेंगे आप कुल्लू शॉल ले आए, पर सर कुल्लू शॉल है आपको पता है धोने के बाद खराब होगा, नाम होगा कुल्लू का शॉल खराब हो गया, तो कुल्लू शॉल ही खराब होता है भाई, आप खराब कर ही नहीं सकते, इसी रीजन क्या ओरिजिनल चीज़ है, इतना जरूर बोलूँगा असली चीज़ सस्ती नहीं है, आप गोल्ड महंगा है, पीतल सस्ता है, जब आर्टिफिशियल है उसको ऊपर नीचे करके भेजेगा वो घाटा, अभी 600 में बता रहा है वो 500 में भी देगा तो 500 में भी तो कमाएगा, तो लगा लीजिए उसके पीछे की वैल्यू, इतना किराया भी खर्चे तो 200 की आइटम है वो, इसको 600 बता दीजिए, ये होता है जी ओरिजिनल है, यहाँ पर ओरिजिनल प्रोडक्ट आएंगे सर। अब आपने लिया है सर, यहाँ दिखाता हूँ, अभी मॉर्निंग में इंडिया के हमारे जो गश्ती ऑफिसर होते हैं ना, हम आपको नॉर्मल आदमी है, जो गश्ती ऑफिसर होते हैं बड़े बड़े आईपी ऑफिसर डीजीपी, उनकी बुकिंग जाती है, अभी मॉर्निंग में कॉल आई थी, देखिए कहाँ से बुक हुआ सर, यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए बड़े बड़े आईपी अफसर सर यहाँ से मंगवाते हैं, और आपको जो लेस बताई ना मैंने 30 बताई आते ही, ये लो 4400 का शॉल लिया 30% 380 क्यों मंगवा रहे भैया, उन्हें पता रीजनल चीज़ें कहाँ मिल रही है, वो खुद यहाँ आ जाते हैं, जिन्हें पता वो ढूंढ के आते हैं, तो आप अभी जगह सही हो, जिन्हें नॉलेज नहीं हो, फिर बेचारा कन्फ्यूज होगा बाहर स्टेट में आगे, अब मैं आपके राजस्थान चल जाऊँ तो मुझे क्या पता सच्ची जगह कौन सी बुरी, मतलब पजल होता है मैम इस चीज़ में, बाकी ये चीज़ मैं आपको नॉलेज के लिए बताई है, बाकी उसके बाद देखिए मेरा पर्सनल नहीं है, देखिए कुछ भी शॉल का आपको मैं बेसिक से दिखाऊंगा, आपको नॉलेज भी होने पैसा सक्सेस देने रेंज का भी क्वालिटी का भी, उसके बाद फिर आपको अपनी रेंज डिसाइड करेंगे। देखिए कुल्लू शॉल की जो स्टार्टिंग होती है हमारी, इसमें चार ओनली होती है, शीबूल रैबिट या कैन पश्मीना, इसकी स्टार्टिंग होती है वो यहाँ से होती है, फर्स्ट वन क्या होता है वूल जो होती है ये चलती है वेट के ऊपर, यानी कि किलो के हिसाब से, शॉल में क्या होता है इसका जो पहला प्रोसेस किया जाता है ये होता है अंडर में कमिट में शॉल बनाई जाती है, सेकंड स्टेप में क्या होता है दोनों का डिजाइनिंग वर्क सेम रहता है, बट इसमें जो शीबूल की शॉल का एक्चुअल वेट होता है जिन्हें हम प्रॉपर क्वालिटी कहते हैं वो ये रहती है, पहला स्टेप हो गया बजट वेट के ऊपर, किसी भी उनका प्राइस वेट में जाता है, उसके बाद फिर आते हैं कुल्लू शॉल में ऑल ओवर डिजाइनिंग के वर्क की फाइव बोर्ड भी होते हैं पूरे जाल से भरे हुए, इन्हें कहा जाता है मल्टीपर्पज शॉल, जिन्हें आप शॉल एंड दुपट्टा वो टाइप यूज कर सकते हो, अब ये जो ऑल ओवर की होती है कुल्लू शॉल में ये आपकी तीन तरह में होती है, इनमें क्या होता है पहला स्टेप प्रिंटिंग का, ये प्रिंट शॉल बनना है, सेकंड स्टेप में चेंजिंग शुरू होती है जिसे कहा जाता है वीविंग वर्क, यानी बुने हुए डिजाइन का काम, जिससे अब आप दोनों साइड से वेयर कर सकते हो, क्योंकि ये इसका वीविंग प्रोसेस आ जाता है, तो थर्ड प्रोसेस जो होता है उसे कहते हैं 3D का मतलब होता है ये एक ड्यूलाइट स्लूप चली हुई है, इसका एक बनाने का तरीका नया है जिसका नाम दिया गया है 3D या पार्टी वर्क भी कहा जाता है क्योंकि उभर कर सामने आता है, बाकी होता ये भी वही है विविंग वर्क बहुत से वर्क, अब ये जो वर्क आपको दिखा रहा हूँ इन्हें कहा जाता है फैंसी वर्किंग जोन, देखिए कुल्लू शॉल में जो जोन है आपकी वो दो तरह की होती है, एक तो फैंसी, फैंसी का मतलब है आप कुछ भी बनाएंगे 3D फ्लावर प्रिंट जो भी आप देख रहे हो, सेकंड होती है पर्टिकुलर टच, हमारे जो कल्चर डिजाइन है यहाँ का वो अलग होते हैं, उनकी डिजाइनिंग होती है इस तरह से, इन्हें बॉर्डर वर्क भी कहा जाता है, ये है कुल्लू टिपिकल बॉर्डर भी डालो यहाँ का जो पर्टिकुलर टच है हमारा ट्रेडिशनल। अब देखिए पहली जो चॉइस होती है आपकी वो होती है डिजाइनिंग में, मान लीजिए अगर आपको लेने हैं फैंसी शॉल तो मैं इनकी वराइटीज दिखाऊंगा, अगर आपको लेने हैं कल्चर डिजाइनिंग देखनी है तो इनकी वराइटीज दिखाऊंगा, ये तो मैंने दिखा दिया डिजाइनिंग प्रोसेस, जी सब जुटता हूँ, ये तो डिजाइनिंग प्रोसेस बताया, आप चलते हैं रेंज भी चलते हैं आपकी और क्वालिटी, लोकली चीजें चाहिए ये सब तो हमारे, देखिए अगर क्वालिटी वाइज चलेंगे तो मैंने आपको कहा था चार ऊने होती है बट अभी एक दिखाई है शीबूल, रेंज वाइज चलेंगे तो स्टार्टिंग रेंज तो 300 है बट 30% डिस्काउंट की वजह से आज का रेट 210 है, 210 से लेके 700 में ये क्लोथ हो जाती है शीबूल, अगर आपकी 300, 400, 450 या 700 तक में कोई भी है रेंज अकॉर्डिंग तो इस क्वालिटी में दे सकते हो, कुल्लू कल्चर डिजाइन 700 में यहाँ क्लोज होता है और अदर क्वालिटी की स्टार्टिंग यहाँ से शुरू होती है। अब इसके बाद तीन क्वालिटी और होती है याक रैबिट एंड पश्मीना, इसके ऊपर याक होती है इसमें भी कुल्लू के कल्चर डिजाइन आएंगे, याकूल है मिनिमम स्टार्टिंग रेंज आएगी इसकी 770 से शुरू होगा 800, 850, 900 तक चला जाएगा आपका, ये है याक, इसे महंगी क्वालिटी लेनी है तो फिर आ जाएगा रैबिट, रैबिट एक ऐसा एनिमल होता है जिसका नेचुरल कलर वाइट होता है,
जैसे मान लीजिए आप शीप लेते हो, याक लेते हो, इनमें अगर आप वाइट शॉट ढूंढ रहे या नेचुरल, तो वो नहीं मिलते हैं। उनका रीज़न ये है कि एनिमल का कलर फेयर नहीं है। रैबिट का कलर फेयर होने से इनमें आप सभी कलर ले सकते हो, नेचुरल वाइट, बाकी कोई भी डाइंग कलर ले लीजिए। सेकंड डिफेंड क्या होता है, शीप और याक से रैबिट है 60% एक्स्ट्रा सॉफ्ट होता है और फिर सॉफ्टनेस ज़्यादा होती है। रेंज वाइज 1300-1400 से 1500-1600 तक रेंज चले जाती है। एंड द वूल की सबसे हाई क्वालिटी होती है वो होता है पश्मीना, जिसमें मैंने दिखाया था। इतना लाइट होता है कि ऊँटी से पूरा शोर बाहर निकल जाता है। बट पश्मीना में क्या होता है, अगर आप प्लेन शोर लेते हो तो महंगा होता है, अगर डिज़ाइनिंग लेते हो तो सस्ता होता है। उसका रीज़न ये होता है कि पश्मीना में जब डिज़ाइनिंग बनती है तो वो होती है ग्रे। प्योर पश्मीना में दो तरह की ग्रे के ऊपर बात होती है। एक ग्रेड होती है 50%, अब इसमें 50% रैबिट और 50% पश्मीना ग्रेड्स आ जाती हैं, जो 1100-1200 की रेंज में होती है। बट यहाँ पर आजकल सब्सिडी की वजह से चली हुई है 770-800, 850-900 इस ग्रेड में। अगर हाई ग्रेड में लोगे डिजाइनिंग अकॉर्डिंग जो इसकी सबसे हाई ग्रेड है उसे 80% ग्रेड कहा जाता है, जो 1600-1700 से लेकर 2022 तक चले जाते हैं। ये चार तरह की क्वालिटीज़ हैं, उनकी ग्रेड्स हैं, उनके प्राइस डिफरेंस मैंने आपको बता दिए। अब आप अपना डिसीजन लीजिए किस क्वालिटी में लेना है आपको। क्वालिटी वाइज देखना है, क्वालिटी डिसाइड कर लीजिए, रेंज रिपोर्ट देखना है तो रेंज डिसाइड कर लीजिए। मैं डिज़ाइनिंग दिखा दूँगा, ट्रेडिशनल मैम याक में भी आएगी, रैबिट में भी आएगी, इसमें भी है, ये भी ट्रेडिशनल है। ये पड़ेगी मैम 700 की रेंज में, 700 की रेंज में। अरे सर्दियों के मतलब से है ना, अभी थोड़ी ना पहने। आपको चीज बताता हूँ, जो भी आपने प्रोडक्ट लिया ना यहाँ के, एनिमल हेयर जो होता है वो ज़्यादा गर्म नहीं होते कभी भी। अच्छा, ऊन क्या चीज़ है, ये एनिमल हेयर नेचुरल प्रोडक्ट है, ये क्या करेंगे आपकी बॉडी हीट को अब्जॉर्व करेंगे। जो सर्दी में आपका शरीर हीट बनाता है ना, उसको अब्जॉर्व करते हैं। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में डालोगे तो नॉर्मल रहेगा, माइनस में डालोगे तो भी वर्क रहेगा, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर को प्रेफर करते हैं, गुरन की गर्मी नहीं होती कभी भी। अब एक सिंपल सी थ्योरी बताता हूँ मैं, हमारे एनिमल है रैबिट है, उसी का बना है सर। सर्दी में -15 होता है, आज 35 डिग्री में रैबिट मरा क्यों नहीं सर? अगर वो गुरन गर्म होता तो एक्सटेल को मर जाना चाहिए था 15 गर्मी में 35 डिग्री में, उसके बाल तो लगे हुए 24 घंटे, मर क्यों नहीं? ये नेचुरल हेयर है, एनिमल प्रोडक्ट से, जैसे हमारे बाल होते हैं कभी गर्मी सर्दी नहीं लगाते हैं, वैसे एनिमल के हेयर वो चीज़ होती है। तभी कहा जाता है यूजिंग टर्मर। जैसे किसी को ऑनलाइन मंगाना है तो क्या रहता है? तो व्हाट्सएप का नंबर इस पे लगा हुआ, इस पे घर बैठे सैंपल देख सकते हो। ठंडे पानी में धोना है, गर्म पानी नहीं, इजी डिटर्जेंट में हैंड वॉश करना है। मैं स्वेटर को इजी एंड हैंड वॉश, अभी टोटल आइटम बल्कि हैंड वॉश है, जैकेट है उसको मशीन में वॉश कर सकते हैं, बाकी वो खास के नहीं है। हैंड वॉश है इजी, सेम प्रोसेस है। आपका नाम भैया? प्रदीप सर। प्रदीप ना, ठीक है। पर्सनल नंबर हम नहीं बोलते, हम तो इसी पे मंगाइए क्योंकि आप ही सेफ होते हो। देखिए बाहर से हो, कोई गलत आदमी के हाथ में पर्सनल नंबर मंगवा लो, ये डिजिटल नंबर में जो बात होगी रिकॉर्ड है, इस पे आपका ऑर्डर जाएगा और रिकॉर्ड होगा, आप किसी सेफ साइड पहुंचेंगे। आप किसी के दूसरे पर्सनल नंबर ले लो, बंदा ना भेजे आपसे पैसा लगवा ले फिर, इसलिए हमेशा डिजिटल नंबर पर काम करो, कभी मिस्टेक नहीं होती। सर हम तो लोग क्या करेंगे सर, सिंपल बात, अपनी नौकरी के चक्कर में तो सर हमें सबसे आखिरी लाख टेंशन महंगा होती है, क्योंकि आखिर तो सर वो नौकरी मिलती क्या सरकारी, कोई कंप्लेंट हो जाए किसी की सर तो अपने को लेने के देने पड़ जाएंगे। सही बात है, इसलिए हम देते सिर्फ उसी नंबर पे करो, हम भी इसके और आप इसके और। बुल फैक्ट्री के अंदर दोस्तों कब 2 से 2.5 घंटा निकल गया हम लोगों को पता ही नहीं चला। जब हम यहाँ से निकले तो करीब 9 के आसपास टाइम हो चुका था। इसके बाद हम लोग अपने रूम पर पहुँचे
और नेक्स्ट ब्लॉग जो इसमें अपलोड किया जाएगा उसमें आपको दिखाऊंगा मैं हिडिंबा देवी टेम्पल के मतलब पूरी जानकारी आपको दूंगा, क्या कैसा है वहाँ पर है, कैसे वहाँ पर आपको घूमने जाना है, कितनी किलोमीटर की वहाँ पर ट्रैकिंग रहती है, और अगर आप गाड़ी से जाना चाहें तो आप कैसे जा सकते हैं, साथ में फूड आइटम वहाँ पर क्या क्या आपको मिल सकते हैं, मार्केट वगैरह कैसा रहता है, पूरी जानकारी आपको अगले ब्लॉग में मिलेगी। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।